आइए स्वदेश विशेष में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे दूसरे मुद्दे की ओर। साल दर साल भारत का रुपया होता जा रहा है थड़ाम और रोज गिरावट के नए कीर्तिमान भी बन रहे हैं। इसी कड़ी में रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर यानी 80 को पार कर चुका है। बुरे दौर में पहुंची भारतीय मुद्रा को बचाने के लिए RBI भी आगे आया है, लेकिन उसके तरीके भी नाकाफी ही नजर आ रहे हैं। वहीं रुपए की गिरावट का हल्ला बाजार जगत से लेकर सियासत की गलियों में भी सुनाई दे रहा है। क्या कहते हैं इसको लेकर दिग्गज, आइए पहले सुन लेते हैं। इंडियन रुपी जो है ये डॉलर के हिसाब से वीकन हो गई है। काफी अलग करेंसीज, ब्रिटिश पाउंड देखे आप, यूरो देखे, तो उनके ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण वी आर सीइंग डिफरेंट बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट। RBI की तरफ से अगर आप देखें पिछले महीनों में तो RBI हैज सीन कि रुपी में जो वॉलिटिलिटी हो वो कम हो, एंड दैट इज वॉट RBI हैज बीन स्पेंडिंग डॉलर्स ऑन एज वेल। तो मेन हमें ये देखना है कि रुपी मस्ट ग्रेजुअली गेट टू इट्स नेचुरल लेवल। मेरे हिसाब से ये कुछ समय लगेगा। बेसिक यू नो आटा गेहूं एंड सो ऑन गोइंग अप 5-10-12%, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? And if the government is going to choose a time when the Aam Aadmi is already suffering to exploit him more and take more money into the revenue coffers, then this government doesn't know what democracy is all about. You're supposed to serve the people, not exploit the people. So we are very, very disappointed in the misuse of GST. तो रुपया गिरने की कई वजह है, जैसे अमेरिकी मुद्रा का मजबूत बने रहना, अमेरिका में मंदी, फेड रिजर्व की बढ़ी हुई दरें, रूस यूक्रेन के बीच तनाव और भी कई कारण हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि रुपए के सबसे निचले स्तर पर जाने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा। चलिए इसी नोट पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार भी जुड़ गए हैं जो तमाम मुद्दे को समझाएंगे। विश्व मोहन, हमने देखा कि आज सुबह के ट्रेड में रुपया जो है डॉलर के मुकाबले लगभग 80 रुपए को पार कर गया, यानी कमजोरी लगातार बढ़ती गई है। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो 79.94 के आसपास हुई है, लेकिन जिस कमजोरी का अंदेशा था वो हम लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं। ये बताएं कि अब इसको लेकर हमारी मुसीबतें कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और हमारे लिए अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो आने वाले वक्त में, क्योंकि मंदी का साया भी यहां पर विदेशी बाजारों में, इकोनॉमीज में, अर्थव्यवस्था में हम मंडराता हुआ देख रहे हैं, हमारे लिए, भारत के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कमजोर रुपए के चलते इससे इसका सामना करना, इससे जूझना। देखिए, इंडियन मार्केट के लिए इसलिए रुपए की कमजोरी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट हम उसके मुकाबले कम करते हैं। तो एक्सपोर्ट अगर हमारा कम है और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली हमें डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर में हम इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इस वजह से हमें डॉलर में हम लगातार देख रहे हैं कि जो मजबूती आ रही है उसका असर पर हो रहा है। आज APMC वार्षिक मंडी में कई कारोबारियों के बीच में बैठा हूं और उन लोगों से लगातार बात हो रही थी, वो लोग सब यही कह रहे थे कि रुपए की कमजोरी की वजह से लगातार उनके मार्जिन हिट हो रहे हैं, उनको दिक्कतें हो रही है। 4-5% तक उनके मार्जिन जो भी थे वो वहां पर सेट ऑफ रुपए में कमजोरी की वजह से हो गया। और सबसे बड़ी वजह रुपए में कमजोरी की वजह है डॉलर का मजबूत होना, क्योंकि US फेडरल रिजर्व लगातार यहां पर दरें बढ़ाता जा रहा है और जुलाई की जो बैठक है 26 और 27 जुलाई को, उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1% तक दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो डॉलर और मजबूत होगा और रुपए पर उसका दबाव बनेगा, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का फोकस अब महंगाई कम करने पर है और उनके लिए ग्रोथ अब बैक सीट पर चला गया है। तो उसका खामियाजा यही होगा कि डॉलर मजबूत होगा, क्योंकि डॉलर की सेफ हेवन बाइंग भी है। अगर डॉलर की शॉर्टेज है मार्केट में, कैश में डॉलर कम है मार्केट में, उस सब का फायदा डॉलर उठा रहा है। आपको एक आंकड़ा बता दूं कि हम FIIs ने इस साल $30 बिलियन से ज्यादा की इंडियन इक्विटी मार्केट में बिकवाली की है। वहीं $26 बिलियन से ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट जून के महीने में है, में पहुंच गया, जो रिकॉर्ड है। 15 महीने के निचले स्तर पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। तो तमाम ऐसी वजह है जो इंडियन इकोनॉमी के लिए इस तरह के लेवल आसान नहीं है। ऊपर से क्रूड देखिए $105 के ऊपर है, जो हम 80-85% तक हम इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में तमाम ऐसे फैक्टर जो इंडियन इकोनॉमी को आगे भी पेन दे सकती है अगर रुपया यहां से और कमजोर होता है तो।
आपी के पास आएंगे, सबसे पहले ये बताएं अब अगर हमें रुपए की कमजोरी को थामना होगा, इसके लिए सख्त कदम हम देख रहे हैं, आरबीआई उठा रहा है, नजर भी रख रहा है तुरंत प्रभाव से, आज के ट्रेड में तो हमने देखा कि 80 के भी पार कमजोर होता हुआ दिखाई दिया है रुपया डॉलर के मुकाबले, क्या क्या विकल्प खुले हैं? जारी किया था उसमें आरबीआई ने कहा था कि हम रुपए में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को यहाँ पर शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष गुप्ता साहब, आपने मेरी अगर आवाज सुनी हो, अगर आपने सवाल सुना हो तो आप जवाब दे सकते हैं। कौन कौन से विकल्प है तुरंत प्रभाव से, कौन कौन से कदम उठाना सही बैठता है पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेने की जरूरत है कि सिर्फ डॉलर अगर हाई हो रहा है इससे देश को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो ऐसा नहीं है। देखिए, डॉलर अभी चूंकि अमेरिका में जो इंटरेस्ट के रेट बढ़ रहे हैं इससे यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो सब अपना पैसा खींच के अमेरिका ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि डॉलर की यहाँ पे इंडिया में रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जिसकी वजह से डॉलर चढ़ रहा है। थोड़े टाइम में जब यहाँ का जितना पैसा जा चुका होगा वापस सिचुएशन नॉर्मल होने लगेगी, एक बात। दूसरी बात, अगर हम देखें कि इंडो रुपी वर्सेस डॉलर का रेट में जरूर चेंज आया है, लेकिन इंडिया वर्सेस येन, रुपीस वर्सेस येन में फर्क है, और जो यूरो का इंडिया वर्सेस यूरो का जो रेट है वो बड़ा फेवरेबल है। यूरो 80 रुपीस की जगह 90 रुपीस हो गया है, 90 की जगह 80 हो गया, इसका मतलब ये समझिए। और अभी डॉलर वर्सेस यूरो एट पार आ गए हैं, इसका सीधा सीधा मतलब हमें ये लगाने की जरूरत है कि वर्ल्ड वाइड करेंसी में इंडिया को इतना डेप्रिशिएट नहीं है, इतना उसका अवमूल्यन नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, जितना सिर्फ और सिर्फ डॉलर की वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट बढ़ रही है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ टेम्परेरी फेज है, और आरबीआई ने जिस तरीके से जो बोल्ड स्टेप लिया है जिसमें हमने लोकल करेंसीज में डील करना शुरू किया, जैसे हम रुपए में डील करेंगे, हम बांग्लादेश से लोकल करेंसी में डील करेंगे, हम श्रीलंका से लोकल करेंसी में डील करेंगे, इंडोनेशिया से लोकल करेंसी में डील तो करेंगे। तो जमाल मिकलाई साहब, 7% जो कमजोर हुआ है 2022 में रुपया, आप इत्तेफाक रखते हैं गुप्ता साहब की बात से और इनकी समझाइश से कि हमारे लिए टेम्परेरी फेज है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है? मेरे ख्याल से देखो, लाइफ इज लाइफ, मार्केट्स आर मार्केट्स, यू नो जो हो रहा है कि बिकॉज इन द यूएस देयर इज रिसेशनरी कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप, ऑल द मनी इज गोइंग टू द यूएस मार्केट, तो ऑल करेंसीज आर फॉलिंग। कई लोग वही कह रहे थे, रुपी हैज बीन फॉलिंग अ लॉट, $35 बिलियन हैव गॉन आउट, जो बात है कितना बाकी है। यू नो, जब 2008 में बड़ा क्राइसिस पड़ा, वी लॉस्ट $50 बिलियन, तो मतलब सब मोर कैन गो बट इतना बाकी नहीं है। सो आई डोंट थिंक द प्रेशर विल बी देयर बट इट विल नॉट बी सो मच। फिर एक दूसरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज है कि आरबीआई जो कहा है कि यू कैन नाउ ट्रेड इन रुपीस विद कंट्रीज हु अग्री ट्रेड विद यू, तो हमारे लिए रशिया इज फैंटास्टिक। हिस्टोरिकली हमारा तेल ऑयल रिक्वायरमेंट 2% रशिया से लेते थे, ऑलरेडी मई तक we are buying 30% of our oil from Russia. Now, if we start paying for that in rupees, till now it has been in dollars. But if we start paying for that in rupees, that will be $20 to $30 billion a year of lower demand. So I think the situation is of course difficult, but RBI is doing a good job. And I feel, I hope, I pray, we are close to the end. चलिए, तो यहाँ पर देखना होगा कि ये कमज़ोरी और कितनी बरकरार रहती है या यहाँ से थमने की ओर रुख करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाज़त